हाँ मैं घर पहुंच गया हूँ। अच्छा मैं बहुत थक गया हूँ, बाद में बात करता हूँ, चल भाई। तुम मुझे दोबारा नहीं मार सकते। नहीं, नहीं, नहीं। बचाओ कोई, हेल्प मी, कोई बचाओ मुझे, बचाओ कोई, कोई बचाओ मुझे। टीपू ये देख, सोफा टेबल कितना खूबसूरत सा फर्नीचर है यार, है ना? सोफा छोड़, पीछे देख, पीछे खूबसूरत इसे कहते हैं। ओए, क्या बात कर रहे थे तुम दोनों? सर कुछ नहीं सर, आपके फर्नीचर की तारीफ कर रहे थे। सुना मैंने क्या बोला तुम? अगर फर्नीचर की तारीफ हो गई हो तो चलो निकलो यहाँ से। सर वो बाकी का सामान नहीं जमाना है क्या? कोई जरूरत नहीं, ये रखो अपनी बाकी की पेमेंट और निकलो। सर हमारी बख्शीश? बख्शीश? हाँ। काम पूरा हो गया तो जाओ फिर, निकलो, कमॉन कमॉन गो। चल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैंने क्या किया? क्या किया? अकल है कि नहीं है तुम्हें? इस तरीके के वाहियात कपड़े पहन के इन लोगों के सामने आती हो? वाहियात? तुम्हारी इसी चीप ड्रेसिंग सेंस की वजह से ऐसे लो क्लास के लोग तुमसे अट्रैक्ट होते हैं। पर इन कपड़ों में चीप क्या है नितिन? शट अप, मुझे पलट कर जवाब मत देना आगे से। बच्चे को चुप कराओ और इस घर को सेट करो, मैं किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, डिनर तक वापस आ जाऊंगा। मेरा बच्चा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मम्मा है ना, ये आशियाना हमारा है और ये हमारा ही रहेगा, कोई नहीं छीनेगा हमसे, मामा का प्रॉमिस है। हाँ सो जा।
सोसाइटी ऑफिस। सतीश जी। जी बोल रहा हूँ। एक्चुअली घर का एक दरवाजा लॉक हुआ पड़ा है, खुल नहीं रहा है, क्या आप प्लीज चेक करवा देंगे? शायद दरवाजा जाम हो गया होगा, मैं आके चेक करता हूँ। ओके थैंक यू। नहीं खुल रहा मैम। क्या है इस दरवाजे के पीछे? मेरे हिसाब से तो यहाँ स्टोर रूम होना चाहिए। पर लॉक क्यों है? पता नहीं, शायद लॉक खराब है, तोड़ना पड़ेगा। तोड़ो इसे। बड़ी अजीब बात है, ये दीवार के आगे दरवाजा कौन बनवाता है? नक्शे के हिसाब से तो यहाँ स्टोर रूम होना चाहिए था, फिर ये दीवार कहाँ से आ गई? मैं इसके बारे में चेक करके आपको बताता हूँ। अरे चाबी, चलो। क्या हो सकता है इस दरवाजे के पीछे? तुम अभी 1304 में शिफ्ट हुई हो ना? हाँ। मेरा नाम मालविका है और मैं भी यही रहती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अश्वगंधा। अरे बाप रे, तुम इतनी छोटी सी, क्यूट सी, प्यारी सी हो और तुम्हारा नाम इतना भारी भरकम। वैसे प्यार से लोग मुझे आशु बुलाते हैं। फिर ठीक है। अच्छा वैसे तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। नाइस मीटिंग यू मालविका। बहुत लेट हो गया है, मुझे चलना चाहिए। हाँ लेकिन यू नो व्हाट, मैं यहाँ इस सोसाइटी में ना काफी टाइम से रह रही हूँ एंड आई लव दिस प्लेस। आई एम श्योर तुम्हें भी यह जगह बहुत पसंद आएगी। बाय। किसी दिन फ्री रहो तो हम कॉफी पीने चले। बाय। बड़ी देर कर दी आने में। अच्छा अब तुमसे पूछ कर आना जाना पड़ेगा मुझे। नहीं मैं तो बस ऐसे ही। क्या ऐसे? हाँ? जो मन में आएगा बोलोगी? नहीं वो इस घर में एक अजीब बात है। रियली? और भी कुछ अजीब है इस घर में? वो उस दरवाजे के पीछे दीवार है। दीवार? तू क्या क्या बोल रही हो तुम? सोसाइटी मैनेजर ने कहा था उसके पीछे स्टोर रूम होना चाहिए था, पर तुम जाओ जाके खाना बनाओ, मैं देखता हूं क्या है। रिडिकुलस। इस बेवकूफ ने यहां दीवार खड़ी की है, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। आशु, अरे आशु सुनो ना यार, इधर क्या हुआ? नहीं पता नहीं, दीवार के पीछे से कोई किसी ने मुझे हाथ, समझ नहीं आ रहा आशु यहां पे। दीवार के पीछे से
आप ठीक है ना? अरे हाँ यार, मैं ठीक हूँ यार। ये क्या कुछ है? छोड़ो ये बात नहीं करते हैं अभी। हो सकता है लॉयर आप। हाँ चलो। आइए प्लीज कम। आवाज आकाश जी, अब बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट। फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं। आशु जी आप यहाँ बैठिए, मुझे आपकी मदर की विल के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना है। ऑफ कोर्स, अरे बैठो बैठो। हाँ बताइए क्या बात करें। आशु जी, आपकी मदर अवंतिका जी की विल को ओपन कर दिया गया है और विल के हिसाब से उनकी सारी संपत्ति आपके नाम कर दी गई है। ऑफ कोर्स, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब की मदर की सारी जायदाद का हक तो इसी का है। एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। वैसे आशु की सारी इन्वेस्टमेंट और फंड्स मैं ही हैंडल करता हूँ, सो यू कैन टेल मी। बताइए। इस बिल के हिसाब से तो ये सारे फंड सिर्फ आशु जी मैनेज कर सकती है। हाँ, भगवान ना करे कि अगर आशु जी को कुछ हो गया तो यह सारे फंड्स उनके हस्बैंड यानी आपको मिल जाएंगे, या फिर उसे जिसे आशु जी ने नॉमिनेट किया। किसी ने ट्रिगर किया होगा एक ऐसा एक्शन जिससे ये हिप्नोटिक ट्रांस में चली गई हो। ट्रिगर? हिप्नोटिक ट्रांस? कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ सोचता। एक सेकंड, मैं करता हूं बाद में। श्रुति जब ये समय रहा यार, जब देखो रोती रहती है, एक पल भी चैन नहीं मिलता यहां पे। ये झूठी हमदर्दी दिखाने की कोशिश मत करो, समझी? मैं कह रहा हूँ ना, कमरा है वहाँ पे, कमरा है, कोई है वहाँ पे, कोई कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मैं आप समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हमदर्दी मत दिखाओ प्लीज, मैं खुद देख लूंगा, तुम रहने दो।
प्लीज हमारा आशु। हाय मालविका, तुम कहाँ हो? हाँ, ना कोई फोन ना कुछ, तुम अपने इस दोस्त को भूल गई हो ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत काम था। देखो, एक काम वाम ना बाद में होता रहेगा, यू नीड अ ब्रेक। चलो कॉफी पी कर आते हैं। नहीं आज नहीं, आज भी बहुत काम है, पूरा घर सेट करना है। एक काम कर, हम तुम्हारे घर चलते हैं, तुम अपना घर सेट कर लेना और तब तक मैं नन्ही परी के साथ खेलूं। वाव, तुम्हारा घर तो बहुत ब्यूटीफुल है, इनफैक्ट बहुत वार्म और कंफर्टेबल लग रहा है। समायरा की वजह से सब कुछ इधर उधर बिखरा रहता है, टाइम ही नहीं मिलता। अरे ये रो रही है, मैं इसको सुला के आती हूँ, तुम थोड़ी देर वेट करो। नो प्रॉब्लम, चलो बेबी, चलो चलो। हाँ चल रहे, मालविका, मालविका। हाँ आई आशु, यू नो व्हाट, तुम्हारे घर में ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। पर एक बात बहुत अजीब है। क्या? एक सेकंड। क्या? देखो, दीवार यहाँ क्यों है? पता नहीं, पुराने ओनर्स ने क्या सोच के ये दीवार बनवाई, ये तो वही जाने। स्ट्रेंज, मेरे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एनीवेज चले। हाँ वाइफ का मर्डर कर, हाँ, पर ऐसा लगना चाहिए सुसाइड किया। पुलिस की सुसाइड की वजह पूछेंगी तो? हाँ, आसान है, आंचली किसी को जानती नहीं और घर पर भी अकेली रहती है पूरा दिन। अभी अभी उसकी मदर की डेथ हुई है तो कह दूंगा डिप्रेस थी। तुम्हें पता तो घर में अकेले रहती है? मैंने घर में हिडन कैमराज लगाए, अरे हर रोज देखता हूँ, अपनी बेटी के साथ अकेली रहती है। और वैसे भी मैंने उसकी हैंडराइटिंग कॉपी कर ली है, एक सुसाइड नोट लिख दिया तो आसान हो जाएगा। तुम बस तैयार रहना, मैं बताऊंगा कब करना है। नितिन, आप घर जल्दी आ जाइए, समायरा को बहुत तेज बुखार है। यार आशु, मुझे और भी जरूरी काम होता है। तुम समायरा को संभाल लो ना अकेले। वैसे भी बॉस ने मुझे एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन के लिए रोका तो मैं सुबह तक ही आऊंगा। नितिन मेरी बात तो सुनिए। नितिन, हेलो हेलो, सॉरी स्वीरा, इट्स ओके बेबी। ये माँ और बेटी ने ना नाक में दम करके रखा होगा, बस बहुत जल्दी मैं आशु को ठिकाने लगा दूंगा
और समायरा का भी कुछ इंतजाम कर दो। फिर तुम और मैं साथ जा। Of course, हमारी रोमांटिक हॉलीडे पे। क्या करूं? किसे बुलाऊं? मालविका, उसे कॉल करती हूँ। उसका तो नंबर ही नहीं है। क्या करूं? हेलो, सिक्योरिटी। हाँ जी मैडम, बोलिए। भाई साहब, आपको पता है कि मालविका कौन से अपार्टमेंट में रहती है? मैडम कौन मालविका? वो जिसके कर्ली से बाल है और ग्रीन आंखें हैं। सॉरी मैडम, मैं किसी मालविका को नहीं जानता। दिन भर अपनी माँ की फोटो से बात ही करती रहती हो या कुछ काम भी करती हो घर का? नितिन, आप कल रात भर कहाँ थे? एक फोन कॉल तो कर दिया होता। तुम्हारी तरह रईस नहीं हो ना कि अपनी माँ के पैसों पर ऐश कर सको। कुछ लोगों को ना रोटी खाने के लिए कमाना पड़ता है। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? माँ के दिए हुए सारे पैसे आपके ही तो हैं। ऐसा तुम सोचते हो? तुम्हारी माँ नहीं और ना ही तुम्हारा वो लॉयर। ये टॉयज कहाँ से हैं? वो मालविका लेके आई। अब ये मालविका कौन है यार? मेरी दोस्त है। तुम्हारी दोस्त? आशु, ऐसे किसी से भी दोस्ती कर लोगी तुम? ऐसे ही लोग दोस्त बनते हैं, जबरदस्ती घर में घुसाते हैं और जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। कोई जरूरत नहीं है ये मालविका शालविका से मिलने की, समझी? पर नितिन, प्लीज मुझसे बहस मत करो, मुझे भूख लग रही है। जाओ कुछ बना कर लो, वैसे ही ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं। घर पहुंच गए हम।
नितिन, नितिन आप अभी घर आ जाइए प्लीज। क्यों, क्या हुआ? नितिन पता नहीं कोई घर में घुस आया था और उसने मुझे और समायरा को मारने की कोशिश की। तुम एक काम करो, आज तुम दरवाजा बंद कर दो, कहीं मत जाना बाहर। हाँ मैं आता हूँ। ओके ओके, डोंट वरी। हाँ बाय। सॉरी, मैंने उसे कहा था कि रात को आए, दिन में कुछ भी हो सकता है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। भगवान का शुक्र है तुम आ गई। क्या हुआ? हमने कोई गुस्सा आया था क्या? और उसने मुझे और समायरा को मारने की कोशिश की। तुम ठीक तो हो ना? कौन था वो? हा? पता नहीं कौन था, शायद भाग गया। तो तुमने नितिन को फोन किया? हाँ मैंने उन्हें कॉल किया था, वो जल्दी फ्री होके आने की कोशिश कर रहे हैं। देखो तुम डरो मत, सब ठीक है। हाँ कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। हाँ रिलैक्स कर प्लीज, आज तुम यहाँ रुक जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। वैसे भी तुम्हारे पति देव नितिन आते होंगे। नितिन को शायद टाइम लग जाए, प्लीज उनके आने तक तुम यहाँ रुक जाओ। टेंशन मत लो, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, समायरा का ख्याल रखो और दरवाजा लॉक करो, कुछ नहीं होगा। ओके मत डरो, चलती है। एक स्टेप ऊपर, आराम से, आराम से। नितिन मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? Trust me, बस पहुँचे। हाँ, क्या हुआ? तारा, surprise? This is for my lovely, lovely wife. तुमने इतना कुछ किया है मेरे, तो ये तुम्हारे लिए। Come. आओ। मैं जानता हूं तुम्हें ये सब देखने की आदत नहीं है, बट अब आदत डाल, बैठो आराम से। आह कैसी लगी? नितिन ये सब ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। चलो एक टोस्ट। आशु, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आज जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, मुझे लगा कि मैंने हमेशा के, तब मुझे समझ में आया कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। इसीलिए इस सिर्फ तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत नहीं है, आज मेरी भी। सो चीयर्स टू दैट। हाँ चीयर्स। अरे पियो। कैसा लगा? वेरी नाइस आशु। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके नितिन, ये सब बातें मत करो। ओके ठीक है, तो ये बातें नहीं करते। चलो मैं बताता हूं कि मैंने क्या प्लान किया है हम दोनों के लिए, हमारा सेकेंड हनीमून। मैंने प्लान किया है कि हम दोनों फ्रांस जाएंगे। दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। सो वी लैंड इन फ्रांस, वी गो टू पेरिस। ये सब कुछ तुम्हारे लिए, सुन रही है ना तुम? हाँ और देखना,
सामने खड़ा करूंगा तुम्हें आईफल टावर के। जानती हो कब से इंतजार कर रहा था इस मोमेंट का, जहां सिर्फ तुम और मैं अकेले हो। आशु, बेबी क्या हुआ, स्लीपी? सपने देख रही हो पेरिस के? मैं भी देख रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं, मैं भी तो ड्रीम कर रहा हूं। कब से ड्रीम कर रहा हूं कि कब ये मौका आए। राइट, अब मेरा ये ड्रीम पूरा करने का टाइम आ गया है। मैं तो पेरिस जाऊंगा, अनफॉर्चुनेटली तुम नहीं जाओगे। कौन हो तुम? आशु कहाँ है? क्या कर रहे हो तुम? एक मिनट मालविका, सब बताता हूँ। बस 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 रुको। ओपन योर आईज। क्या है ये सब? बताता हूँ, जल्दी क्या है, बैठो। सिट। धीरज, ये सब क्या है? मालविका, मैंने सोचा कि आज की शाम को थोड़ा रोमांटिक बना दिया जाए। क्यों? बस मेरा मन कर रहा था। चीयर्स। एक मिनट। एक्चुअली मालविका, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। क्या बात है, आज तो मुझे सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहे हो। देखोगी? ओके। धीरज जी, ये गन यहाँ क्यों है? ये सिर्फ एक छोटी सी गेम है। देखो, मैंने ना इस गन में एक गोली डाली है, मैं इसको घुमाऊंगा और जिसकी तरफ ये पॉइंट करेगी वो अपने आप को शूट करेगा। क्या बचपना है ये? हाँ, मजाक बंद करो। मालविका, तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझसे प्यार नहीं करती? तुम्हें शक है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? करती हो ना, तो फिर डरो मत। अगर मेरे प्यार के इम्तिहान का सवाल है तो मैं तैयार हूं। ये हुई ना बात। ओके, यह वी गो। ये देखो, पहली टर्न मेरी आ गई। धीरज, रिलैक्स मालविका, कुछ नहीं होगा। धीरज, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? प्यार का इम्तिहान है, देना तो पड़ेगा ही ना। कहा था ना मैंने कुछ नहीं होगा, तुम खामा खा डरती हो। कंटिन्यू करें? I'm sorry but
इट्स योर टर्न नाउ। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। आई लव यू टू। तुम्हारी जैसी घटिया औरत की यही सजा थी। मेरे साथ साथ न जाने कितने आशिक थे तुम्हारे, अब ऊपर जाके आशिकी करना। ऊपर जाके मालविका, आई हेट यू, आई रियली हेट यू, आई रियली हेट यू। जब तक तुम्हें ये लेटर मिलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा नया घर, नई शुरुआत होगी, पर मैं थक चुकी हूं। माँ के चले जाने के बाद सब कुछ खराब लगने लगा। उनके बिना जीने का दिल नहीं है। मुझे माफ कर देना समायरा, और अपना ध्यान रखना। घर में समायरा और तुम्हें अब कोई परेशान नहीं करेगा, नितिन भी नहीं। बस समायरा का ध्यान रखना। जिंदगी का हर दिन ऐसे जीना जैसे वो आखिरी दिन हो। Enjoy more horror TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.